हेलो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज व्लॉग फिर से स्टार्ट हो रहा है शाम के वक्त से, क्योंकि सुबह में चला गया था राफ्टिंग, फिर अभी मैं थोड़ी देर पहले राफ्टिंग से आया और बहुत ठंडा मौसम है गाइस। सुबह से बारिश हो रही हल्की थोड़ी बहुत, आप देख सकते हो अभी भी छत पूरे गीले ही हैं। और अभी जा रहा हूँ मैं फिर से शादी में, जहाँ पर मैं कल रात को गया था, आपने अभी तक वो वाला व्लॉग देख लिया होगा। तो आज आने वाली वहाँ पर बारात आएगी दिल्ली से, तो पहले उन्होंने कोई रिजॉर्ट बुक किया, तो वो पहले वहाँ जाएंगे स्टे, थोड़ी देर आराम वगैरह करेंगे, उसके बाद वो बारात लेके पहुँचेंगे घर पे। तो हम भी चलते हैं गाइस, नहीं तो मैं सुबह चले जाता, आपको पूरा हल्दी की जो रस्म थी वो भी दिखा देता। तो भी चलते सीधा पहले शादी वाले घर पर, और पहले गाइस आपको थोड़ा सा चारों तरफ का नज़ारा दिखा देते हैं। देखो बारिश कभी भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलते हैं। और गाइस रास्ते इतने स्लीपरी हो रखे ना, हल्का सा अगर मिस्टेक हुआ पता नहीं कहाँ मसाज होने वाली फिर तो इसलिए ये मैं पकड़ पकड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि यह एकदम पतली नहर, उस पर अगर थोड़ा सा पाँव इधर उधर है ना लेफ्ट राइट तो सही वाली मसाज हो जाएगी। तो उसके बाद अभी पहले रोहित को फ़ोन करता हूँ, कहाँ है रोहित। ऋषिकेश बोल रहा बारिश लगी है तो मैं नहीं आ रहा हूँ, हम चल लेते हैं फटाफट। ये देखिए गाइस रोड की हालत, हर जगह कीचड़। और गाइस सही टाइम पे मेरे को मुन्ना मिल गया, ये हम दोनों भी आए रास्ते से। गाइस गिरा है मचार, पड़ा कीचड़ कीचड़ हो गया। मैं तो कब का तैयार हो गया, अभी तक तैयार हो के नहीं आया। ये देखिए गाइस अगर गिरे तो अच्छे से लेपाई हो जाएगी हम दोनों के, ऐसा लगेगा कोई हम रोपाई करके आएगा इससे। अरे ये तो कुछ भी नहीं, वो पहाड़ पर तो भयंकर हो गई, वो पहाड़ पर बूढ़े हो रहा है, वो बनता तो भयंकर कीचड़ हो रहा भाई, मां की कसम। अरे स्टूडेंट किसी की सुर सुर हो जी दिन जा हम इसको, मैं तो कैमरा बंद करने बाद पार नहीं पहुंची, ट्रैक कर रहा हूं का एक्शन जैक्सन होने दियो। अरे तो ज़्यादा किचड़ हो गई, कुछ भी नहीं मैं बूढ़ा को, हम बूढ़ा वो यूनिकॉर्न असाइनमेंट देखे ना, तो सुर सुर गया वो दिन जगह हम फंड वो हम टाइट मारो ना एकदम, तो भी थोड़ा ठीक है ये फोन थोड़ा पत्थर अंदर आराम से ले वो बिराल गया बाट काटे तब। हेलो गाइस, हो पापा शायद गरम करता है, चलो मुन्ना धन्यवाद। तो गाइस पूरा डेकोरेशन, बारिश ने पूरा काम खराब कर दिया भाई। और यहाँ भी गाइस पूरा डेकोरेशन हो ही चुका है, बस इस पर मैट बिछने बाकी है, सारी मैट बिछते बट पूरा रखा किचड़। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करें स्वीट से, तो यहाँ लगे हैं गुलाब जामुन, इधर है पानी पूरी, यहाँ शायद लगने वाला है टिक्की वगैरह, इधर नूडल्स, यहाँ तंदूर, सामने पूरा खाने के डिशेस। लोग अभी आना स्टार्ट कर रहे हैं, बस बारिश ने पूरा काम ख़राब किया हुआ है, कीचड़ ही कीचड़ हर जगह। तो यहाँ पे सारा खाना एक एक बाउल में ले लिया गया है, तो ये चढ़ाया जाएगा भगवान जी को।
गाइस अभी हमने तो खाना खा लिया, अब जा रहे हैं हम जहाँ पे बारातियों के स्वागत के लिए और जहाँ पे उनका चाय नाश्ते की व्यवस्था, पहले वहाँ पे चलते हैं ऊपर स्टोर टाइगर में। बारात आई दिल्ली से, इसलिए बारात आने में काफ़ी देर हो गया, 8:30 हो गया, इसलिए पहले गाँव वालों को ही खाना खिला दिया सबको। ऊपर देख के आ गए हम, अभी बाराती तो पहुँचे नहीं वहाँ पे, और अभी बहुत सारा सामान लाने के लिए नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर भेजते हैं सामान। गाइस ये बहुत ही प्यारा नजारा यहाँ से दिखता हुआ, खचा खच मैदान भरा हुआ टेंट, और मैं रब्बा भाई जा रहे हैं आगे आगे। गाइस चाय भैया हो रहे पकौड़े फुल फ्राई। तो बारात पहुँच चुके सिल्लन पेट्रोल पंप के पास, अभी फ़ोन आया था वहाँ से, फिर हम जल्दी से लगा लेते चाय और पकौड़े। बाकी गाँव वालों ने तो खाना खा ही लिया सबने लगभग। टाइम हो रहा है 10:10, बारात अब जाके पहुंच रही गाइस बारात। आ चुके हैं ऊपर से नीचे, बारातियों को चाय नाश्ता पकौड़े खिला के अब जा रहे हम नीचे, फिर जहाँ डीजे बज रहा है।
लेकर आ रहा हूँ और गाइस अब चल रहा है बारातियों का खाना। टाइम देखो आप 11:54, 12 बज चुके हैं लगभग। और गाइस अभी टाइम 12:12, अभी जाके अपन पहुंचे घर। बाहर लग चुके हैं बारिश, तो अभी करते इस वाला ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप गाइस आपने आज वाला ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड नाइट, बाय बाय।